और चलिए इस वक्त बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे हैं कुलदीप बिश्नोई, सीएम मनोहर लाल से बिश्नोई मुलाकात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, पहले भी हालांकि उनसे मुलाकात कर चुके हैं और अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें एक बार फिर से यहां पर तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे और हालांकि इससे पहले भी मुलाकात वो कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, क्या बड़ी जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? जी, आज कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने हरियाणा भवन पहुंचे हैं और एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने तमाम बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की, उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की, उन्होंने जेपी नड्डा जैसे नेता के साथ मुलाकात की और कहीं ना कहीं इन सारे मुलाकातों के बीच में आज की ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से वो लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है और ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा सकती है और ऐसा देखने को मिल सकता है कि बीजेपी में जल्द ही कुलदीप बिश्नोई शामिल हो जाएंगे। पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात हुई थी और कुछ मुद्दों पर चर्चाएं हुई थी। तो आज की मुलाकात किस तरीके से क्या स्वरूप लेता है, किस तरीके से आगे की रणनीति कुलदीप बिश्नोई बनाते हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई को मनाने की कोशिश की जा रही है या फिर कुलदीप बिश्नोई का कुछ मांग है जिन मांगों को लेकर वो लगातार इन नेताओं से मिल रहे हैं, ये सब कुछ देखना होगा। जी शुक्रिया प्रियंका मासा जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने वाले हैं और ऐसे में यहां पर एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। और इस वक्त